रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। भारतीय डाक विभाग में आरडी खाता खोलने के नाम पर एक शातिर उपमंडल बोरंज के एक दर्जन से अधिक लोगों के लाखों रुपए डकार गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उपभोक्ता डाकघर बरेड़ी में पासबुक की एंट्री करवाने पहुंचे। डाक विभाग के पोस्टमास्टर ने बताया कि ये पासबुकें विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई हैं। पासबुक पर पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर और विभाग की मुहर भी फर्जी है। शातिर ने लोगों के करीब 20 से 25 लाख रुपए हड़प लिए हैं। भारतीय डाक विभाग में आरडी खाता खोलने के नाम पर एक शातिर उपमंडल भोरंज के एक दर्जन से अधिक लोगों के लाखों रुपए डकार गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उपभोक्ता डाकघर बरेड़ी में पासबुक की एंट्री करवाने पहुंचे। डाक विभाग के पोस्टमास्टर ने बताया कि ये पासबुकें विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई हैं। पासबुक पर पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर और विभाग की मुहर भी फर्जी है। शातिर ने लोगों के करीब 20 से 25 लाख रुपए हड़प लिए हैं। लाखों रुपए लूटने के बाद ग्राहकों के होश उड़ गए हैं और वे इस मामले की शिकायत लेकर सीधे पुलिस थाना भोरंज पहुंच गए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरडी एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले डाकघर से जानकारी जुटाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 15 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के भाई अशोक, पत्नी नीता कुमारी और बेटे नवनीत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी एजेंट के रूप में कार्य करते थे। शिकायत लेकर पुलिस थाना पहुंचे 15 ग्राहकों ने बताया कि किसी के 6 लाख तो किसी के 3-3 लाख रुपए आरोपी व्यक्ति ने कई सालों से हर माह घर घर जाकर एकत्रित किए हैं। विशाल पुत्र हेमराज निवासी बेरी डाकखाना ब्रह्माणा तहसील भोरंज और जिला हमीरपुर ने पवन कुमार पुत्र प्रेमचंद निवासी गांव भुक्कड़ भोरंज जिला हमीरपुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। ग्राहकों ने पुलिस से आरोपी व्यक्ति से उनकी जमा पूंजी को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस थाना भोरंज के प्रभारी कुलवंत सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी पवन कुमार के खिलाफ वादंस की धारा 420, 464A, 468 और 477 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर सुनीता देवी ने कंप्लेंट की कि उन्होंने जैसे पैसे देते होंगे, आरडी एजेंट थे अशोक कुमार की जब नौकरी लगी तो ये आरडी एजेंट का काम उसने अपने भाई और भाभी को दे दिया। तो ये लोगों से पैसे इकट्ठा लेके पोस्ट ऑफिस में जो थी आरडी थी उसमें पीएलआई थी उसको जमा कराने के नाम पे लेते थे और कुछ समय इन्होंने जमा कराए पैसे। उसके बाद जो है कि इन्होंने जाली दस्तावेज तैयार किए, जाली पासबुक तैयार की और जो पैसे लोगों से लेते थे वो आगे जमा नहीं कराते थे। जब सुनीता देवी को फ़ोन आया कि उसकी जो पैसे जमा नहीं हुए हैं तो उनको इस बात का पता लगा। साथ ही जब और लोगों से बात हुई तो पता लगा कि काफ़ी लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। पुलिस ने पवन कुमार को अरेस्ट कर लिया है और 420, 467, 68 में जो है FIR भी पुलिस ने इसमें दे दी है। अभी तो शुरुआत में 5 लाख के आसपास है, हो सकता है ये फिगर बढ़े भी।